गुड इवनिंग भाई सबको गुड इवनिंग ऑडियो वीडियो क्लियर है जैसा कि आप लोग जानते हैं अन अकेडमी पे पढ़ाता हूँ और अन अकेडमी पे जब आप सब्सक्रिप्शन लेने वाले होते हैं तो उससे पहले एक ऑप्शन आता है अप्लाई डिस्काउंट कोड का वहां पे आपको डिस्काउंट कोड लगाना है जी एवीएस ये कोड लगाने से आपको फीस में डिस्काउंट मिल जाता है और ये जो कोड है ना ऐसा नहीं है कि आप ये एस एस सी कैटेगरी पे लगा सकते हो इस कोड को आप यूज कर सकते हो एस एस सी बैंक रेलवे सी डी एस यूपीएससी नीट कहीं भी आप इस कोड को डिस्काउंट के लिए यूज कर सकते हो ठीक है जी अन अकेडमी पे ना थोड़ा सब्सक्रिप्शन लेने का ये कह लो पेड कोर्स खरीदने का सिस्टम थोड़ा सा अलग है बाकी ऐप से बाकी ऐप पे क्या होता है कि इंडिविजुअल आप मैथ का कोर्स खरीदते हो इंग्लिश का कोर्स खरीदते हो रीजनिंग का अलग है ना जी का अलग यहाँ पे क्या है कि एक सिंगल सब्सक्रिप्शन है मान लो आपने एस कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन लिया ये एवी एस कोड लगा के तो अराउंड सिक्स फीस है एक साल की और दो साल की सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड के अराउंड तो ये जो फीस है किसी एक बैच की फीस नहीं है ये कंप्लीट सब्सक्रिप्शन की फीस है यानी इसमें डमी पर एस के जो टू फिफ्टी प्लस एजुकेटर हैं उनके मैथ के इंग्लिश के रीजनिंग के जीएस के जितने बैच है चाहे वो चल रहे हैं चाहे खत्म हो गए सबके सब, सब अनलॉक हो जाएंगे आपके लिए ठीक अब इसमें फायदा क्या है इसमें फायदा ये है कि भैया मान लो आपको अरिथमेटिक एक से पढ़ना है एडवांस एक से पढ़ना है तो कोई दो दो बार फीस देने की जरूरत नहीं है ग्रामर एक से वो कैब एक से कोई दो दो बार फीस देने की जरूरत नहीं है ऐसा नहीं है कि ग्रामर के बैच की फीस अलग वो कैब के बैच की फीस अलग प्रैक्टिस बैच की फीस अलग एडवांस ग्रामर फीस अलग मीनस बैच फीस अलग बार 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 कोई फीस पे करने की जरूरत नहीं है आपको एक बार अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया उसके बाद चाहे कितने ही बैचेज आते रहे अब जैसे हमारा ये ऑल स्टार्स नाम से बैच आ गया कभी फिनिक्स नाम से बैच आ गया कभी कुछ नाम से बैच आ गया बैच चाहे कितने भी आते रहे आपको दोबारा कोई फीस पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है एक बार आपने फीस पे कर दी बात खत्म हो गई एक ही प्लस वालों को फीचर भी मिलता है डाउट की फोटो खींच के भेजो वीडियो सोल्यूशन मिल जाता है रेज अ हैंड फीचर है हर संडे को टेस्ट होता है विनर्स को फ्री स्कॉलरशिप मिल जाती है मेरा जो बैच है जी वो चालू हुआ था बाईस सितंबर को दो महीने में मेरा एक ही बैच आता है इसमें चार बेसिक की क्लास हुई हैं अभी पीछे अभी चार पाँच दिन क्लासेज नहीं हुई थी क्योंकि मैं कुछ काम से बाहर गया हुआ था तो इसमें कुल चार क्लासेज हुई हैं फोर्थ क्लास मैंने आज ली है इसकी आज इसमें बेसिक मैंने कंप्लीट किया मतलब बेसिक क्या बेसिक का भी बेसिक अभी बेसिक आगे और चलेगा लेकिन वो बिल्कुल बेसिक वाला नाउन क्या होता है प्रोनाउन क्या होता है एडजेक्टिव क्या होता है वो ख़त्म किया जो भी इंटरेस्टेड है वो एवीएस टेन कोड लगा के सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अपने दोस्तों को बता सकते हैं भाई जो मुझसे पढ़े हुए है ना इसमें कल से कल तो स्ट्रेटजी बताऊंगा परसों से इसके अंदर नया चैप्टर शुरू होगा परसों से कह लो जब भी मेरी अगली क्लास होगी पे अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो दो महीने का थ्योरी का बैच दो महीने का वोकैप का बैच दो महीने का प्रैक्टिस बैच इतना कॉन्टेंट मेरा मिल जाएगा आपको ठीक है जी एवीएसटेन मेरा कोड है ये कोड लगा के आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं चलो जी आप शुरू करते हैं सारे मेंस के पी क्यू आर एस कर रहे हैं आज मेंस के पी क्यू आर एस कर रहे हैं आज इसमें बताइए जरा करो ट्राई फटाफट देखो पी क्यू आर एस में मेन बात है कि जब जचा तो देखो कोई भी देगा जल्दी से जल्दी अब आपको लग रहा होगा कि शुरुआत यहां से होनी चाहिए ना फॉरेस्ट आर अ ट्रेजर ऑफ ट्रेजर हाउस ऑफ नेचर यहाँ से शुरुआत करने का बड़ा मन कर रहा होगा लेकिन जल्दी से देखा यार आर से तो कोई ऑप्शन शुरू ही नहीं हो रहा आर से तो कोई ऑप्शन शुरू ही नहीं हो रहा तो बात खत्म हो गई यहाँ से तो शुरुआत होगी नहीं है ना पीपल एंजॉय गोइंग इन टू फॉरेस्ट मेक अ ब्यूटीफुल एंड नेचुरल ब्यूटीफुल नेचुरल लैंडस्केप्स एंड सीनरीज कहा से शुरू होना चाहिए बोलो द फॉरेस्ट लिखा हो इसका मतलब पहले जिक्र हो चुका है दे लिख रखा है इसका मतलब पहले जिक्र हो चुका है आर से शुरू हो नहीं सकता इसका मतलब पी से शुरू होगा लो जी आंसर आपके सामने था देखो ये जो बातें ना काफी बच्चों को ऐसे लग रहा होगा यार ये तो मतलब ऐसे पेपर में कौन सोच पाएगा ये वाली बातें जब आप काफी सारे क्वेश्चंस लगा लोगे ना मतलब 100-500 सौ पी क्यू अगर लगा लोगे तो ये चीज़ें ऑब्जर्व होने लग जाएंगी नजर आने लग जाएंगी आपको और जिन्होंने प्रैक्टिस कर रखी है वो कमेंट करके बताओ अब ये चीज़ें नजर आती हैं आपको कि नहीं जिन्होंने प्रीवियस ईयर सारे लगा मारे हैं वो कमेंट करके बताओ कि आपको सही में अब ये बातें अपने आप से नजर आने लगती हैं कि नहीं इसमें बताओ आप जरा हाँ जी हालांकि मामला इजी है सारी बातें ऑनेस्टी की हो रही है ऑनेस्टी एक मॉरल वैल्यू है जो कि जो कि इनकलकेट करी जानी चाहिए बचपन में जो कि बच्चों के अंदर डाली जानी चाहिए बचपन में ठीक अच्छा द वैल्यू ये जो लिखा हुआ ना मॉरल वैल्यू द वैल्यू देन टेक्स द वैल्यू देन टेक्स फ्रॉम फाउंडेशन एंड कैन सी वन लाइफ थ्रू वन थ्रू एंड कैन सी वन थॉर लाइफ थ्रू लाइफ सॉरी ये जो वैल्यू है ये जो आप बेसिकली उनके अंदर जो वैल्यूज नैतिकताएं जो डालोगे ये फॉर्म फाउंडेशन ले लेंगी कहने का मतलब अच्छी नींव रखेंगी और जो पूरी जिंदगी आपका काम आएंगी अब पहली बात तो पी से स्टार्टिंग होनी चाहिए एक तो आपके लिए ये हिंट है ठीक है और यहाँ पे आपने मॉरल वैल्यू अमॉरल वैल्यू लिख रखा और यहां पे द वैल्यू लिख रखा ये ऑनेस्टी की दोबारा बात हो रही है इसका द आर्टिकल लगा के पहले वो चीज हो चुकी पी के जस्ट बाद आ रहा है एक तो ये वाली बात दूसरी बात अगर ये जो डिसऑनेस्टी है ना अगर ये डिसऑनेस्टी बचपन में ही शुरू हो जाए यंग एज पे शुरू हो जाए तो बाद में बड़ी डिफिकल्ट हो जाती है चेंज करनी स्टोरीज के थ्रू हम बच्चों को एक्सपोज कर सकते हैं कि ये ऑनेस्टी होती क्या और क्या कैसे आपकी मदद करती है ताकि ताकि बच्चे जो हैं ये समझ पाए कि डिसऑनेस्टी को क्यों अवॉइड करना है और ऑनेस्टी वाइटल क्यों है तो इसके बाद ही आएगा यानी एस के जस्ट बाद क्यों आएगा तो ये वाले दोनों ऑप्शंस अपने को मिल रहे हैं जी ए में नेक्स्ट बताइए बहुत बढ़िया रोहित टिंकू सोविक प्रतीक स्वाति बहुत बढ़िया जी इसमें बताइए ज़रा क्या आएगा मैंने पहले ही बताया बच्चे पी क्यू आर एस बोरिंग लगता है इसलिए बच्चे अटेम्प्ट नहीं करते फिर पेपर से आके आ जाते हैं मुंह लटका के पिचहत्तर नंबर हैं 75 फाइव टू एट्टी है मीन्स के अंदर 75 फाइव टू एट्टी पैसेज पी क्यू आर एस क्लोस्टेस्ट मिला के पच्चीस नंबर सीधे सीधे हैं पी क्यू आर एस के अकेले के तो समझो इस बात की वैल्यू कि जितना पूरी ग्रामर पढ़ने में पूरी ग्रामर पढ़ने से जो आएगा और लगभग उतना ही नंबर ये कंटेन कर रहा है तो समझो इस बात को सारा दिन एरर 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 एर ही करते रहोगे तो फिर कैसे पेपर में नंबर आएंगे मैं भी सारा दिन एरर करा दूं आपको ही पढ़ने में अच्छा लगेगा बच्चे भी ज़्यादा आ जाएंगे लेकिन यार ये वाली चीज़ें जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा देखो, हाँ जी किया कुछ दे डू नॉट उन्हें डर नहीं लगता पनिशमेंट से सच पर्सन ऐसे लोग यानी ये क्यू और आर से शुरुआत नहीं हो सकती क्यू और आर से शुरुआत नहीं हो सकती पहले उनका जिक्र हो चुका है ठीक है जी अच्छा अगली बात एक ऐसा आदमी एक ऐसा आदमी जो कि राइटियस होता है वो एक ऐसा आदमी होता है कि जिसने अपने मॉरल वैल्यूज डेवलप कर रखे हैं जो जिनके थ्रू वो जीता है ठीक ऐसे पर्सन जो होते हैं अपनी मॉरल वैल्यूज को फॉलो करते हैं और वट एवर डिफिकल्टी दे मे हैव टू चाहे उन्हें कुछ भी चाहे वो अपने मॉरल वैल्यूज को फॉलो करेंगे चाहे उन्हें कोई भी डिफिकल्टी आए वो किसी पनिशमेंट से नहीं डरते यानी एस क्यू आर ये पेयर तो चलेगा ही चलेगा अब तुम मुझे बताओ कि पी को कहाँ रखे? रखें शुरू में रखेंगे लास्ट में रखें पी को कहाँ रखें शुरू में कि लास्ट में रखें हमारा जो बिहेवियर है और करेक्टर है वो हमारे मॉरल्स के बारे में हमारे एथिक्स के बारे में बताता है ये वाली जो बात है ये कहाँ पे रखनी चाहिए सारी की सारी बातें तुम्हें नहीं लग रहा कि ये बिहेवियर करेक्टर मॉरल्स इसी पे हो रही है तो इसको शुरुआत में रखेंगे कि लास्ट में इसको रखो भैया शुरू में अपना आंसर आएगा जी फोर अरे कुछ आ रही है बात समझ में ये सारी कथा तुम्हारी किसके बारे में हो रही थी ये मॉरल्स के बारे में कैरेक्टर के बारे में इन्हीं के बारे में तो हो रही है तो एस क्यू आर का पेयर तो टूट नहीं सकता वो तो इसमें भी है इसमें भी है लेकिन ये पी में जो बात लिखी है कि हमारा जो बिहेवियर और हमारा जो करेक्टर होता है वो बताता कि है कि हमारे मॉरल्स कैसे हैं हमारे एथिक्स कैसे हैं तो इस सारी की सारी कथा की शुरुआत कहाँ से करोगे पी से तो शुरुआत करोगे इस पे आ जाइए जी करा देखो सारी चीजें जोड़ते हुए चली जाएंगी अगर हम अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज कर लें तो हम सारी की सारी एक्टिविटीज को एक कर सकते हैं उन टास्क सब टास्क को अकम्पलिश कर सकते हैं जो हम चाहें जो भी हमारे इच्छा हो उन सब चीजों को हम अचीव कर सकते हैं ठीक इसके लिए जरूरी है किसके लिए जरूरी है इन सब चीजों को करने के लिए जरूरी है इसके लिए जरूरी है कि हम एक प्रैक्टिकल टाइम टेबल बनाए ठीक है ये ये जरूरी है कि ये जरूरी है कि हम जो टाइम टेबल बनाए उसको हम प्रैक्टिकली अडॉप्ट करें ये नहीं कि जैसे आप बना लेते हो सात बजे उठना है ना सात बज के पांच मिनट पे पोटी जाना फिर सात बज के सात मिनट पे ब्रश कर लेना ये बना लेते ना बीच में टू मिनट रेस्ट टेन मिनट रेस्ट ऐसे लिख लिख के बना बना के जो चेपते रहते हो दीवारों पे समझ रहे हो ये वो कह रहा है कि प्रैक्टिकल होना चाहिए टाइम टेबल ये नहीं कि मतलब कुछ भी कुछ भी बनाया जा रहे हो कुछ आ रही है बात समझ में तो भैया इसका मतलब यहाँ से शुरुआत होगी मतलब हम अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज कर लें तो जो चाहें वो कर सकते हैं ठीक अगली बात क्या है कि इसके लिए प्रैक्टिकल टाइम टेबल चाहिए और ये बात जरूरी है ये बात जरूरी है कि वो जो टाइम टेबल है जो कि जिसे हम प्रैक्टिकली अडॉप्ट कर पाए जो टाइम टेबल तुम बनाओ प्रैक्टिकली अडॉप्ट होने वाला चाहिएगा अगर हम अगर हम इस टाइम टेबल को यानी इस टाइम टेबल का जिक्र पहले हो चुका है इनके बाद आएगा तो अपना ऑप्शन आया जी सेकंड वाला नेक्स्ट पा जी क्या लिख रहा है भाई डाउट क्लियर कर दीजिए पोस्ट जो सूटेबल नहीं है पीडब्ल्यू डी के लिए उसको अगर मैं यू आर एस या अपनी कास्ट कैटेगरी से फिल करे तो डीवी में रिजेक्ट कर देते हैं पोस्ट जो सूटेबल नहीं है पी डब्ल्यू डी के लिए मतलब भाई बार बार कमेंट मत करे यार तेरा समझ नहीं आ रहा तू तो क्या कर रहा है तभी मैं एस एस सी छोड़ रहा हूँ भाई तेरा सवाल क्लियर नहीं है तो पूछना क्या चाह रहा है ठीक है बार बार कमेंट मत करें यार इसमें बताओ भाई बहुत आसान है बिल्कुल हलवा हाँ जी कोई भी लीडर कोई भी लीडर एनी लीडर आज टू एड्रेस द प्लेनरी सेशन ऑफ़ वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म्स ये एड्रेस करने को कहा जाए उसको वो दो चीजें कर सकता है पहली तो ये पहली तो ये और सेकंड ये अब इससे आसान काम क्या होगा पी क्यू आर से बनेगा सीधा तो बहुत टुच्चा था ये तो इसमें बताओ भाई मोनू मेघना अलेक्जेंडर हनुमान शिव प्रतीक बहुत बढ़िया भाई इसमें बताइए जरा क्या आएगा सैफुद्दीन सैफुद्दीन राजा कुमार इसमें बताइए भाई क्या आएगा बहुत बढ़िया भाई वर्ल्ड वॉर जो है यहां से शुरू हुआ इसकी डेथ के बाद इसके असासीनेशन के बाद और यहाँ तक चला मतलब ये सारी कथा वर्ल्ड वॉर पर ही है वर्ल्ड वॉर में ये हुआ ये हुआ ये हुआ, हुआ तो शुरुआत की बात करोगे हालांकि आंसर तो आपका यहीं से बन जाएगा लेकिन आगे देखते हैं फिर ये क्या लिख रखा है यहाँ से शुरू हुआ अच्छा इस कॉन्फ्लिक्ट में इन इन के बीच में लड़ाई हुई यहाँ से यहाँ तक ये यह बत बात बताई है ठीक अच्छा इस इस ये जो मिलिट्री टेक्नोलॉजीज की वजह से ऐसा ऐसा विध्वंस देखा वर्ल्ड ने जैसा पहले कभी नहीं देखा था जब तक जब तक ये वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो इतनी मौतें हो चुकी थी इतने लोग मर चुके थे यानी एस्पेंडिंग होगी तो अपना सही आंसर है जी थ्री बहुत बढ़िया जी इसमें बताइए जरा क्या आएगा जी सेवन नंबर में बताइए क्या आएगा विनायक स्वाति कुलदीप कुमार बच्चे अब मैं इसका कुछ एग्जैक्ट आपको आइडिया दे नहीं पाऊंगा भाई इसके लिए सॉरी है ना कि वो किस किसमें काउंट होगी किसमें काउंट नहीं होगी वो आपको देखो नोटिफिकेशन वगैरह पढ़ के ही पता चलेगा यार उसकी डेप्थ मेरे को पता नहीं है हाँ जी अब बहुत बच्चों का मन कर रहा होगा कि पी के जस्ट बाद आर आना चाहिए है ना पी के जस्ट बाद आर आना चाहिए रिपब्लिक डे मनाया जाता है छब्बीस जनवरी को ये तो सारी दुनिया को पता चल गया कि पी से तो शुरुआत होगी अब पी के जस्ट बाद आर नहीं आ रहा तो लेकिन मेरे पास ऐसा कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना पी आर वाला पी आर वाला तो कोई ऑप्शन नहीं है तो कोई और देखते हैं कोई और सेट हो रहा हो एक ह्यूज सेलिब्रेशन इवेंट किया जाता है एक ह्यूज सेलिब्रेशन इवेंट किया जाता है दिल्ली में हर साल

बेस्ट ऑप्शन पॉसिबल आपको लग रहा होता वो होता नहीं है तो चार में से जो बेस्ट है टिक करो अपना आगे बढ़ो इसमें बताओ जरा बहुत आसान है बहुत आसान ये सारी बातें होली के बारे में हो रही हैं कि उसे शुरुआत हो जाएगी होली को लोग दो चरणों में मनाते हैं पहले दिन ये करते हैं दूसरे दिन ये करते हैं तो क्यू पी आर एस से बनता हुआ चला जाएगा इसमें बताइए नायक स्वाति अलेक्जेंडर अनिल रोहित स्वाति रश्मि संजय बताओ भैया इसमें देखो जरा समझने की कोशिश करना अब यहां पे यहां पे दे एज अ रिजल्ट पी और एस वाले तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते देखो पी और एस वाले तो किसी कीमत से ऑप्शन हो ही नहीं सकते ठीक है पी से तो कोई है नहीं लेकिन एस वाला इसको रिजेक्ट कर दू अच्छा ये ये एविडेंट है स्टडीज से कि जो पीपल ऐसा करते हैं डू दिस जो ऐसा करते हैं आर से शुरुआत नहीं हो सकती गया तो क्यों से शुरुआत होगी मैं क्या कह रहा हूँ बच्चे अरेंज तो इनको कोई भी कर देगा थोड़ा सा जल्दी देखने की कोशिश किया करो कि नहीं नहीं यहाँ से नहीं होगा ये नहीं होगा ये होगा ये। थोड़ा जल्दी सारा गेम उसी का है रीसाइकिलिंग योर वेस्ट मेक्स यू मोर रिस्पॉन्सिबल इन अ वे यू यूज़ एंड डिस्पोज ऑफ़ इट डिस्पोज इट ऑफ आएगा वैसे रीसाइकिल करना अपने वेस्ट को रिसाइकिल करना आपको और जिम्मेदार बना देता है उस तरीके को लेके कि आप अपनी चीज़ को कैसे यूज़ करते हो कैसे उसको डिस्पोज करते हो है ना तो शुरुआत तो हो होगी भैया क्यू से अब नेक्स्ट पाइए क्यू के जस्ट बाद अपने को क्या लिखना चाहिए अब यहां पे दे लिखा हुआ है दे लिखा हुआ है तो पहले ही पीपल लिखोगे तभी तो इनके लिए दे लिखोगे यानी क्यू के जस्ट बाद आर आएगा फिर ऐसा आएगा टिक करो चलो आगे इसमें बताइए जरा टिंकू संजीव प्रतीक सैफुद्दीन उद्दीन सद्दाम बहुत बढ़िया भाई इसमें बताओ जरा क्या करेंगे अब? अरे कहां चले गए सारे सोसा गए क्या तुम्हें अभी बोरियत फील हो रही है बताओ सुबह बेंगलोर से फ्लाइट थी मेरी साढ़े आठ बजे की और एयरपोर्ट पर तुम्हें पता है कि पहुंचना पड़ता है एक घंटा पहले और वहां से जहां पे रुके हुए थे वहां से भी एक घंटा साढ़े छह बजे का निकला हूं और यहाँ पे पहुंचाऊं साढ़े पांच बजे यानी लगभग बारह घंटे की जर्नी करके अभी दो तो मैंने प्लस क्लास ली है तीन घंटे की अभी एक क्लास लेने और तैयार हूं और तुम ही नींदारी बताओ अब इसका तर्क तुम ये दे सकते हो सर आपको तो पैसे मिलते सर आपको तो पैसे मिलते हैं कह सकते हो लेकिन जैसे मेरे लिए पैसा मिलना एक डेडिकेशन है तुम्हारे लिए भी तो एक डेडिकेशन है ना क्लास देखने के पीछे कि दो बात सीख जाओगे पेपर में काम आ जाएंगी तो अपना थोड़ा कॉफ़ी ऑफी रख लिया करो इस टाइम पे ठीक है अगर नींद ना आए थोड़ा मोटा जुनून रखा करो डेडिकेशन रखा करो ठीक चलो आओ अब ये सारी बात मीडिया के बारे में हो रही है जैसे पता ना ये ये शब्द यहां से ओरिजिनेट हुआ है तो पी से तो शुरुआत होगी अच्छा ये जो शब्द है पहली बार यहां यूज किया गया पी के जस्ट बाद एस आएगा एक मिनट हो सकता था इसका काम नेक्स्ट पा जाओ इसमें बताओ जरा बैंगलोर गया था यार की ना कोई वो एड वगैरह शूट होनी थी उसके लिए बैंगलोर गया था एक्चुअली मैं ना मौसम बहुत अच्छा है भाई बैंगलोर का मौसम मतलब गजब मौसम है गजब भी जो मौसम के लिए जैसे मैं यहाँ पे आया हूँ मतलब नैनीताल में शहर प्लस में वैसा मौसम दैट इज बैंगलोर बैंगलोर में बस एक ही चीज की कमी बताते हैं ट्रैफिक वहां अभी तो जैसे कोविड के चलते कम है लेकिन जब नॉर्मल ट्रैफिक होता है तो फिर वो ऐसा ट्रैफिक होता है कि पूछो मत बाकी सब कुछ बेंगलोर में बढ़िया है एकदम वेल डेवलप्ड सिटी है दिल्ली दिल्ली से पार ही का होगा उसको आप डेवलपमेंट में दिल्ली से ऊपर ही मानोगे आप उसको हाँ जी इसमें बताइए ज़रा अब देखो जरा ये सारी बातें ना सेल्फ अवेयरनेस पे हो रही हैं सारी बातें सेल्फ अवेयरनेस पे हो रही हैं सेल्फ अवेयरनेस को डेवलप किया जाता है काफी सारे तरीकों से जैसे इन फोकसिंग योर अटेंशन ऑन द डिटेल्स ऑफ योर पर्सनैलिटी सेल्फ अवेयरनेस को कैसे लेके आते हो आप कि अपनी पर्सनैलिटी की डिटेल्स को आप फोकस करते हो अपने बिहेवियर को और इसे किताबों से नहीं सीखा जा सकता इस चीज को सेल्फ ये जो सेल्फ अवेयरनेस होती है इस चीज को आप किताबों से नहीं सीख सकते और उसी चीज को फिर ये जस्टिफाई करेगा कि जब तुम तो एक किताब कर पढ़ते हो तो तुम उसके कॉन्सेप्चुअल आइडिया पे फोकस कर रहे होते हो तुम्हारा जो तुम्हारा जो सारा का सारा अटेंशन होता है वो प्रैक्टिसिंग वो यू आर प्रैक्टिसिंग नॉट पेइंग अटेंशन विद योर अटेंशन इन बुक यू आर प्रैक्टिसिंग नॉट पेइंग अटेंशन टू योर ओन बिहेवियर जो आपका जो आपका अटेंशन है वो सारा का सारा किताब पढ़ने पे बजाय कि आपने खुद पे अटेंशन देने के तो इससे इससे आप इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आइडिया यू कैन डेवलप जो बुक में लिखा हो उसकी तो कर सकते हो लेकिन जो आपकी रियल अंडरस्टैंडिंग है वो नहीं कर पाओगे दोनों अलग अलग चीजें आर पे एंडिंग होगी क्यू से शुरुआत होगी अपना ऑप्शन आएगा जी टू नेक्स्ट पर जी अच्छा सवाल था थोड़ा लेंदी सवाल था इसमें बताओ भाई क्या आएगा इससे टुच्चा सवाल मुझे नहीं लगता कोई हो सकता है अरे ऐसे देखो हो सकता हो सकता है बेंगलोर भी शिफ्ट हो जाए बस बेंगलोर में एक ही कमी है उसके पास नदियाँ पहाड़ ये सब नहीं है ठीक है बेंगलोर में बस एक ही कमी है नदियाँ पहाड़ ये सब नहीं है दो नदियाँ हैं उसके पास लेकिन दोनों की कल ही मैंने सर्च किया था मतलब मेरा भी ऐसे सोच के चलो देख लेते हैं यार क्या पता नदियाँ वदियाँ पहाड़ वहाड़ उसमें भी थोड़ा दूर होंगी लेकिन होंगी अब उसमें दो नदियाँ दोनों उन्होंने मतलब सीवेज ड्रेन के रूप में कन्वर्ट कर दी इतनी वहां पर डेवलपमेंट हुई कि वो सीवेज ड्रेन बना दी हैं दोनों नदियाँ अब जो नदी पहाड़ है वो छह घंटे दूर है उससे कुर्ग वर्ग में है वो चलो इस पे आओ मुझे लगता देखो इससे आसान कुछ नहीं हो सकता सारी बात योगा के बारे में योगा के इट 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 तो भैया पी से शुरुआत होगी ऐसा एक ही ऑप्शन है अपना टिक करो आगे बढ़ो ऐसे क्वेश्चनों में टाइम बचाओगे तभी दूसरों पे ज्यादा लगा पाओगे है ना ऐसे क्वेश्चनों पे टाइम बचाओगे तभी तो दूसरों पे ज़्यादा लगा पाओगे इस पे आ जाइए हाँ जी इसमें बताओ जरा करो करो कोशिश करो देखो यार यहाँ पे बट से शुरुआत हो रही है बट से शुरुआत हो रही है आर और एस से शुरू होने वाले ऑप्शन तो देखो बोगस हैं ये दोनों ऑप्शन तो से बाहर हो गए अब दो ऑप्शन है दोनों ही क्यू से शुरुआत हो रही है तो हमारा पहला सेंटेंस तो देखो इसने फिक्स ही करके दे दिया कि क्यू से शुरुआत होगी मैं फिर बता रहा हूँ ये छोटी छोटी चीजें हैं जचाने की कोशिश किया करो समझने की कोशिश किया करो ठीक है इंडियन सेवर्स और ये वाली अब बताओ ये दोनों आर और एस इकट्ठे आएंगे दोनों बट बट वाले इकट्ठे आएंगे पहले कोई बात बोलोगे तभी तो बट से ज्वाइन करोगे ये दोनों बटबट -बट वाले इकट्ठे आएंगे क्या आर एस इकट्ठे नहीं आ सकते लो जी चौथा ऑप्शन भी नहीं होगा थर्ड ऑप्शन होगा ये ऐसे क्वेश्चन करा के ऐसे क्वेश्चन करा के वो थमने लगाया जा सकता है आइए देखते हैं कैसे किए जाते हैं पी क्यू आर एस अरेंज बिना पी क्यू आर एस पढ़े यहां पे ये ऐसे क्वेश्चन में चल सकता है, है ना कैसे करेंगे पी क्यू आर एस को दो सेकंड में हल क्यूआरएस हल करने की ट्रिक इसमें बताइए जरा दिव्या अमित प्रतीक सैफुद्दीन बताओ भाई इसमें बताओ अब देखो इसमें सारी बातें इसमें सारी बातें दे, दे इधर देखो जैसे दिस लिस्ट लिखा हुआ है है ना दिस लिस्ट लिखा हुआ है अच्छा अ सिंपल ग्रेटिट्यूड लिस्ट वुड गो लाइक दिस अ ग्रेटिट्यूड लिस्ट इज लिस्ट ऑफ दोज थिंग्स सारी बातें इस लिस्ट के बारे में हो रही हैं भैया क्यों से शुरुआत होगी इजी सवाल था सेकंड ऑप्शन इसमें बताइए जरा अरे इससे खत्म देखो क्या ऑप्शन आएगा देखो देअर फोर देयर फोर से सेंटेंस की शुरुआत नहीं हो सकती तीनों ऑप्शन पी वाले दे दिए तो महा खत्म ऑप्शन दे दिए भाई तो ऑप्शन ही इतने खत्म थे अब ऐसे सवालों को जब दो दो सेकंड में करोगे तो बाकियों के लिए टाइम बचेगा कि नहीं बचेगा एक पर्सन का बिहेवियर जो है वो इवोल्व होता है खुद के थ्रू कॉन्शियस एवोल्यूशन जो कॉन्शियस एवोल्यूशन है उसी के थ्रू उसका बिहेवियर इवोल्व होता है जैसे जैसे कुम्हार जो होता है जब वो क्ले को बनाता है तो वो कोई क्ले की क्वालिटी नहीं है बल्कि उसका खुद का कुम्हार का जो नेचर है बेसिकली कुम्हार की जो आर्टिस्ट कलाकार की जो एक्टिविटी है उससे वो निखर के आता है ना कि कोई मिट्टी का ऐसा बनना नेचर है इसमें बताइए जरा जी लगा कुछ लॉजिक दीज है लॉन्ग लेटेंसी पीरियड तो पहले किसी चीज की बात होगी ये नहीं आ सकता इट फॉलोज इसकी वजह से ही होता है यहां से शुरुआत नहीं हो सकती मॉडर्न मेडिसिन हैज स्कोर्ड सिग्निफिकेंट विक्ट्रीज अगेंस्ट बोथ ये बोथ प्रोनाउन है पहले वो दो चीजें बता तो दे भैया फिर ही तो ये ही आएगा थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री ह्यूमन हिस्ट्री जब से चली आ रही है लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है इन्फेक्शन और ट्रॉमा और मॉडर्न मॉडर्न मेडिसिन में इन इन पे काफी हद तक विक्ट्री पा ली है तो आर से सेंटेंस की अपनी शुरुआत होगी ऐसा एक ही ऑप्शन है आर के जस्ट बाद पी आएगा ये बहुत से रेफर रह हो रहे हैं ये दोनों इन्फेक्शन और ट्रॉमा इसके बाद ये वाली बात आएगी कि लेकिन आजकल जो है वो क्या क्या चीजें ज्यादा हो गई हैं आजकल ये वाले चले आ रहे हैं अच्छा इनका लेटेंसी पीरियड ज्यादा है इसकी वजह से लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो कब बीमार पड़ गए क्यों पेंडिंग हो जाएगी इस पर आ जाइए तीक अमित चेतन सैफुद्दीन बहुत बढ़िया भाई इसमें बताओ जरा क्या आएगा देखो दिस इज नॉट ये ये कोई कैलरी या फिर माइक्रो की डेफिशिएंसी नहीं है बल्के बल्कि ये इसी जैसा कि जैसे माइक्रो न्यूट्रियट और कैलोरी डेफिशियंटी डेफिशियंसी पा, पाई जाती है डेवलपिंग नेशंस में ये वो नहीं है बल्कि मल्टीपल माइक्रो न्यूट्रियट का डिप्रेशन है तो पहले कहीं ना कहीं इसकी बात हुई है इस टाइप की डेफिशिएंसी की कहीं ना कहीं बात हुई है यानी एस से ऑप्शन शुरू नहीं हो सकते ये ऑप्शन तो गया ठीक है बहुत सारे नेशनल सर्वे इस बात को रिवील करते हैं कि मेल न्यूट्रिशन जो है वो बहुत कॉमन है डेवलप्ड कंट्रीज में तो यहां से मेल न्यूट्रिशन की शुरुआत सारे सारे के सारे में मेल न्यूट्रिशन की बात हो रही है कमी की बात हो रही है कुपोषण की बात हो रही है तो आर से शुरुआत होगी अपनी यानी ये ऑप्शन भी गया ठीक अब अपनी शुरुआत होगी आर से और तुम्हें पता है कि पहले इसमें इसने मेल न्यूट्रिशन की बात करी और फिर इसने यहां पे कहा कि ये वो वाली डेफिनी नहीं है जो डेवलपिंग कंट्री में पाई जाती है एक्चुअली ये थोड़ी सी अलग वाली है तो आर के जस्ट बाद ऐसा आएगा यानी अपना ऑप्शन आएगा जी थर्ड बहुत बढ़िया नेक्स्ट जाइए इसमें बताओ ज़रा बहुत आसान है एक वाइल्ड एलिफेंट पहले यहाँ पे पहुंच गया अच्छा इट देन फिर यहाँ पे पहुंच गया फाइनली यहाँ पे पहुंच गया कितना आसान है बी पे एंडिंग होगी डी से शुरुआत होगी इसमें बताओ जरा उसके हाथ में ही दे इसका मतलब फ्लू फ्लूड सेलर से शुरुआत होगी यानी शुरुआत होगी ए से दो ऑप्शन तो ऐसे रेस से बाहर हुए ये जो बांसुरी बेचने वाला था ये कॉर्नर में खड़ा खड़ा हुआ था इस होटल के ठीक उसके हाथ में उसके हाथ में एक पोल था जिससे इतनी सारी ये 50 के करीब बांसुरियां टंगी हुई थी सब डायरेक्शन में ये बांसुरियां किसकी बनी हुई थी हॉलो बम्बू स्टेम्स की बनी हुई थी ये दे आया किसके लिए ये फिफ्टी फ्लूट्स के लिए यानी ए सी डी से बनेगा नेक्स्ट बात सौविक रोहित प्रतीक शैलू बहुत बढ़िया भाई इसमें बताओ जरा क्या आएगा अमित चंदू सुशील इसमें बताइए सम ऑफ दीज सब सबस्टांसिज पहला सेंटस नहीं हो सकता दे आर ऑफन पहला सेंटेंस नहीं हो सकता द डेंजर ऑबियसली डिपेंडस अपॉन द सबस्टांसिस एडिड दसिस नहीं हो सकता द इफेक्ट्स ऑफ अडल्ट्रेशन ऑफ फूड ऑन आर हेल्थ आर ऑफन स्लो इन ऑनसेट एंड मे गो अनोटिस्ड ये जो इल इफेक्ट होते हैं जो फूड में मिलावट होती है उसके जो इल इफेक्ट होते हैं हमारी हेल्थ पे शुरुआत में अननोटिस्ड हो सकते हैं मतलब शुरुआत में कम ही नजर आते हैं ये जो इल इफेक्ट्स होते हैं ये शुरुआत में इम्परसेप्टेबल होते हैं मतलब नजर आने में दिक्कत होती है लेकिन इनके जो इफेक्ट्स होते हैं बड़े फार फेस्ड होते हैं तो सी से शुरुआत हो गई सी के बाद बी अरेंज होगा आ रही बात समझ में पहले यहाँ पे पहले यहाँ पे आप दस सबस्टांसिस बोलोगे उसके बाद आप दीज सब्सटांसेज बोलोगे यानी अपनी इसमें बताइए ये एक्चुअली ना स्लाइड्स दूसरी जगह से डालने के चक्कर में थोड़ा सीक्वेंस गड़बड़ हो गया है बीस के बाद एक्चुअली ट्वेंटी वन से शुरू होने चाहिए थे थर्टी वन से शुरू हो गए टोटली थर्टी क्वेश्चन है टोटली थर्टी क्वेश्चन है ये थर्टी वन से शुरू हो गए लास्ट में आप थर्टी में से मेरे को स्कोर बताएंगे अपना कि थर्टी में से कितना स्कोर आया आपका जी इजी है बच्चे लड़ने लग गए माँ ने छोड़ाने की कोशिश करी लास्ट में वो सफल हो गई बड़ी कड़ाके की फाइट थी फियर्स फाइट थी बड़ी खुंखार फाइट थी इसमें सबसे बड़ा हिंट था ए के सॉरी बी के जस्ट बाद ए आएगा बी के जस्ट बाद ए आएगा यह बड़ा इंड था आपके लिए कुछ गलत कर दिया क्या मैंने कुछ उल्टा बोल रहा हूं मुझे लग रहा मैं एक मिनट एक मिनट दोबारा देखने दो यार इसको सॉरी भाई मैंने ना एक्चुअली ये लाइन पढ़ी नहीं इसमें लिखा हुआ है कि बेसिकली उसने उसने मां ने उन्हें कहा उसने मां ने उन्हें कहा कि तुम सुलह कर लो माँ ने उन्हें कहा कि तुम सुलह कर लो लेकिन वो माने नहीं ए के जस्ट बाद बी आएगा ए के जस्ट बाद बी आएगा ठीक है ये मैंने उल्टा बोल दिया था मेरे को ऐसा लगा कि शायद ऐसा कुछ होगा माँ ने छुड़ाने की कोशिश करी लेकिन उन्होंने सुना नहीं फिर वो फाइनली सक्सीड हुई लेकिन यहाँ पे ये भी तो हिंट है ना यहाँ पे मम्मी लिखा हुआ है यहाँ पे शी लिखा हुआ है तो पहले ए आएगा तभी तो बी आएगा ए के जस्ट बाद बी आएगा ठीक है थोड़ा जल्दी के चक्कर में हो गया मेरे से गलती है ना ए जस्ट बाद बी आएगा और शुरुआत अपनी कहां से होगी इन दोनों में सब एक से शुरुआत करनी ए के बाद बी कितने ऑप्शन में अपने पास के जस्ट बाद बी सिर्फ एक ही ऑप्शन में तो इस ऑप्शन को आपको शुरुआत में लगाना पड़ेगा भैया बड़ी खुंखार फाइट थी बहुत ही खुंखार फाइट थी दो लड़के लड़ने लगे माने छुड़ाने की कोशिश करी यानी डी ए बी का पेयर बनेगा डी ए बी का पेयर बनेगा और इस बात को आप लास्ट में भी रख सकते हो लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है इसलिए अपने को इसको शुरू में रखना पड़ेगा नेक्स्ट जाओ बच्चों की तो लड़ाई देखने में कोई मजा नहीं आता लड़ाई देखने में मजा आता भाई आंटियों की आय हाय मतलब गजब चलो इसमें बताओ जरा देखो सून आफ्टर नहीं हो पाएगा सो नहीं हो पाएगा पैर दे नहीं हो पाएगा डी से शुरुआत होगी मेरे पिताजी जो हैं वो एक साल बड़े हैं अपने भाई ऑस्कर से जैसे उनका स्कूल पास आउट हुआ उन्हें लगा कि यार उन्हें अपना आगे की फॉर्चून बनाने के लिए आगे की अपनी किस्मत बनाने के लिए छोटे टाउन को छोड़ना पड़ेगा तो इसलिए वो घर से भाग गए और फ्रांस पहुंच गए पेरिस पहुंच के उन्होंने यही ये किया तो भैया डी ए से चालू होगा ये नेक्स्ट आ जाइए इसमें बताओ जरा इसमें बताओ भाई फटाफट देखो सात आठ मिनट रह गए हैं सात आठ ही सवाल रह गए हैं थोड़ा जल्दी जल्दी लपेट दो इनको पूरे तीस करके चलेंगे आज ठीक है थोड़ा जल्दी जल्दी लपेटो इनको मैंने डिसाइड किया कि अब समय आ गया कि मुझे सेटल डाउन होना चाहिए इसलिए मैंने सोचा कि एक काम करते हैं देयर फॉर आई बॉट दिस मेड मी ईगर टू वेलकम माई इंटेंडेड टू बी देयर फॉर आई बॉट अ गुड हाउस इन अ रिस्पेक्टेबल नेबरहुड इसलिए इसलिए मैंने क्या किया इसलिए मैंने क्या किया कि मैंने घर खरीद लिया अच्छे नेबरहुड में ठीक नेबरहुड में घर खरीदते ही मेरे मैं ईगर था मैं बड़ा उत्सुक था कि अपने फर्स्ट गेस्ट को घर पे वेलकम करूं है ना ताकि ताकि मैं एक मॉडल सिटीजन कहलाऊं आई आईड टू बी ए मॉडल सिटीजन मैं चाहता था कि मतलब अच्छा सिटीजन कहलाऊं इस नेबरहुड में तो यहाँ पे डी ए बी सी से बनता हुआ चला जाएगा कहाँ चला गया डी ए सी बी सॉरी पहले ही अच्छा बनना चाह रहा है इसलिए ईगर हो रहा है कि मैं किसी को घर पर इनवाइट करूंगा जैसे होता ना नया नया कोई पड़ोसी आता है घर पर सबको इनवाइट करके अपनी बातचीत पढ़ाता है ताकि लोग उसके बारे में अच्छा सोचें तो ये चाहता था कि लोग उसके बारे में अच्छा सोचे इसलिए उगर था लोगों को घर बनाने के लिए तो ये डी ए बी से बनाओ इसमें बताइए जरा हाँ जी इसमें बताओ जरा इसमें बताओ कितने लोग इस हिंट तक पहुंच पाए कि बी के जस्ट बाद ए आएगा बी के जस्ट बाद ए आएगा कितने लोग इस हिंट पे पहुंच पाए सॉरी <coughs> स्कूल के जो टीचर है वो अपनी बेस्ट ट्राई करते हैं अर्ली ईयर्स में ताकि उन्हें ऑर्डर करके कि साइलेंस हो जाओ चुप हो जाओ है ना हर हर कुछ कुछ सेकंड के बाद लेकिन लेकिन ऐसा लगता है कि बच्चों पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता उस चीज का बी के जस्ट बाद आएगा ये बात सोच पाए किसी ने नोटिस किया कि आजकल के बच्चे ना कुछ ज्यादा चीख चिल्ला के बात करते हैं है ना शुरुआत में तो एलिगेंट लगते हैं स्वीट लगते हैं लेकिन जैसे मुंह खोलते हैं तो पता चलता है अरे यार ये तो चीख चिल्ला के बात करने वाले बालक है नेक्स्ट पे इसमें बताओ जरा हाँ जी अब यहाँ पे सो वाला तो हो नहीं पाएगा शी वाला नहीं हो पाएगा यानी हिल्डा से शुरुआत होगी बी से शुरुआत होगी ये देखो ये दो ऑप्शन तो देखो बिल्कुल ही बाहर हो गए ठीक है अब ये हिल्डा जो है ये बाग से पास हो रही थी जब इसके पैरों पर ये गिरा एक एप्पल गिरा उसने कभी कभी इतना बड़ा और ऐसा गोल्डन एप्पल कभी नहीं देखा था उसने इसको उठाया इट को यानी एप्पल को उठाया तो इसका मतलब सी ए डी से बनता हुआ जाएगा ये सॉरी बी ए डी से बनता हुआ जाएगा ये नेक्स्ट बाजो इसमें बताओ करो फटाफट से चार क्वेश्चन ज्यादा नहीं है करो जल्दी से बहुत आसान है अरे तुम क्या कर रहे हो मैच देख रहे हो कि तुम मतलब क्लास लगा रहे हो क्या क्या कर रहे हो तुम दोनों काम साथ साथ कर रहे हो ज्यादा नहीं मल्टीटास्किंग बन रहे अब यहां पे मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग और डी से शुरुआत इससे आसान और कोई क्या पूछे बेचारा डी से शुरुआत फिर मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग यानी ए सी बी इसमें बताओ अच्छा विकेट का मतलब रॉन्ग था क्या यहाँ पे चलो फिर तो कोई बात नहीं आईपीएल शुरू हो गया क्या कभी क्या नहीं शुरू हुआ अरे क्रिकेट विकेट का शौक हुआ करता था उस टाइम पे खेलता तो खैर मैं कभी था ही नहीं वो वो वाले बच्चे नहीं होते जो गली में कहते हैं मुझे तो बैटिंग बैटिंग करनी आती है वही वाला बालक था मैं कैच पकड़ने जाओ ऐसे मतलब कभी बना ही नहीं बहुत क्रिकेट के साथ ना वैसा हाँ लेकिन इंडिया पाकिस्तान के मैच देखने में बहुत मजा आता था मुझे याद है मामा के घर गया हुआ था मतलब इतना क्रेज था वहाँ क्रिकेट का इतना क्रेज था मतलब टीवी पे क्या होता है दो तीन चार सेकंड बाद आता था वो तो कमेंट्री के लिए मतलब रेडियो पे कमेंट्री चल रही है टीवी पे उसका स्क्रीन लगा रखा है भाई क्या क्रेज हुआ करते थे जब वो इंडिया गया था पाकिस्तान वो जो टूर हुआ था ना उस टाइम की बात नहीं चलो अब यहां पे दे आ गया सो आ गया देयर वर लाइट्स वहां पे लाइट्स थी कहां पे पहले बता तो दे भैया तो सी से शुरुआत होगी यार बहुत इजी था इसमें बताओ जरा नहीं अब नहीं देखता यार अब क्रिकेट विकेट बिल्कुल नहीं देखता अब कोई वर्ल्ड कप वगैरह का मैच होगा तो वो जरूर देखा होगा हाँ जो अपन पीछे वर्ल्ड कप हारे धोनी रनआउट हुआ वो जरूर मैंने मतलब एक एक बॉल देखा है सुना है लेकिन वैसे कोई खास क्रेज नहीं है अब खास क्या है ही नहीं चलो जी सौ से बट से ये तो शुरुआत हो नहीं पाएंगे है ना तो यहाँ पे यहाँ पे देखने की कोशिश करो जरा माई हैंड्स है डाउन दैट कलाज फ्रॉम माई बेडरूम वॉल मेरे जो हाथ में खुजली हो रही थी कि मैं वो कलाज कैसे तोड़ फोड़ के निकाल दूं अपनी बेडरूम वॉल से मान लो जैसे लड़ाई हो जाती है ना तो अक्सर वही होता है इश्क में आदमी फिर जब लड़ाई होती है तो फोटो वोटो फाड़ना गिफ्ट जला देना कार्ड जला देना ये सब करता है तो मेरे हाथ में खुजली हो रही थी वो जो फोटोज का कलाज था वो बेडरूम वॉल से तोड़ने का इसलिए मैं अपने रूम में घुसा जल्दी में है ना अच्छा लेकिन लेकिन मैंने पाया लेकिन मैंने पाया कि वॉल पे तो कुछ था ही नहीं किसी कोई पहले बड़ा स्मार्ट था उसने पहले ही हटा दिया तो बी से शुरुआत हो जाएगी बनता हुआ चला जाएगा आगे इसमें बताइए जरा सेकेंड लास्ट सवाल है आज का ये बड़े जेट ने टेक ऑफ किया ही था जब प्लेयर्स ने मतलब लोगों ने खुद को बिजी पैसेंजर ने खुद को बिजी करना शुरू कर दिया उन्हें पता था कि लंबी फ्लाइट है कुछ ने ये किया बाकियों ने ये किया बहुत बढ़िया एंड था इसके अंदर ए के जस्ट बाद डी का आना ए के जस्ट बाद डी का आना बी से शुरुआत होगी ऑप्शन बनता हुआ चला जाएगा आज के लास्ट सवाल पे आ जाइए आज का आखिरी क्वेश्चन है इसका आंसर बताओ और फिर अपने मार्क्स कमेंट करो तीस में से कितने सही हुए विकास उठा अब यहाँ पे ही, ही जी इन सबसे पता चल रहा है शुरुआत तो देखो डी से होगी वहीं से आपको हिंट मिल जाना चाहिए था विकास उठा उसने बेडशीट उठाई जो कि उसकी टांग पर डकी हुई थी उसकी टांग की जगह पे एक वुडन स्टंप था उसकी उसने अपनी टांग खो दी थी पांच साल पहले इस एक्सीडेंट के साथ ही उसका नेक्स्ट कार लोइ बनने का सपना हमेशा के लिए टूट गया चलो जी अब आप अपने मार्क्स कमेंट करके बताओ आपके तीस में से कितने सवाल सही हुए जो बच्चे कोर्स करने में इंटरेस्टेड है बाईस सितंबर से, से मेरा बैच चालू हुआ था जी चार क्लास हुई है उसमें बीच में भी बैंगलोर गया था मैं कुछ काम से तो चार पांच दिन क्लासेस हुई नहीं थी इसलिए बता रहा हूँ कि चार ही हुई हैं अभी बेसिक्स उसके अंदर खत्म हुए नाउन क्या होता है प्रोनाउन क्या होता है एडजेक्टिव क्या होता है इतना पोर्शन खत्म हुआ है कल इसमें स्ट्रैटेजी की क्लास है क्या पढ़ें कैसे पढ़ें इसमें मतलब नेक्स्ट जैसे अब कल फ्राइडे है मेरे ख्याल नहीं कल थर्सडे तो फ्राइडे को ऑफ रहेगा सैटरडे को यानी परसों इसके अंदर पहला चैप्टर शुरू करूंगा प्रोनाउन तो जो भी लोग इंटरेस्टेड है अपने दोस्तों को रिकमेंड कर सकते हैं खुद ज्वाइन कर सकते हैं ए मेरा कोड है उसको यूज़ करके ठीक है जी कल मैं कोशिश करूँगा कि दोनों फ्री क्लास ले लूँ शाम को पांच बजे वाली भी और रात को दस बजे वाली भी कुछ छोटी ईडीएम की वीडियो जैसे डालता होता हूँ वो भी डाल लूंगा अभी दो तीन जो कुछ दिन पीछे क्लास नहीं हुई है उसकी भरपाई करने की पूरी कोशिश रहेगी ठीक है चलो जी आज के लिए गुड नाइट मिलेंगे अपनी अगली क्लासेस के अंदर